वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केबीज बायोलॉजी। आज हम देखने वाले फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मींस क्या? मींस फोटो मींस लाइट, लाइट, और सिंथेसिस मींस सिंथेसिस ऑफ समथिंग और एनर्जी और फूड। ओके, सिंथेसिस मींस सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, एग्जांपल ग्लूकोज। ओके, तो इसमें क्या है, लाइट एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करने के बाद, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करके लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, एग्जांपल एग्जांपल क्या है उसका, एग्जांपल है CO2 प्लस H2O, यहाँ पे क्या है, लाइट, और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म ग्लूकोज। ओके, ये एक जनरल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। तो ये फोटोसिंथेसिस है, ये जनरली प्लांट और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे कि प्लांट, उसके बाद जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ओके, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में ये फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मटेरियल लगता है वो क्या है, एग्जांपल है क्लोरोफिल, पिगमेंट्स और ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसका केमिकल एनर्जी में फॉर्म करते हैं और केमिकल एनर्जी फॉर्म करते हैं। तो उसकी जो जनरल रिएक्शन है वो कैसी है, सिक्स CO2 में CO2 को रिड्यूस करके हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वो क्या करता है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो यहाँ पे क्या क्या लगता है, यहाँ पे मेन लगती है तो क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में ही दो टाइप्स है, एसेसरी और नेसेसरी। ओके, तो उसमें उसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे सनलाइट लगती है। ओके, तो ये सनलाइट है, ये सनलाइट का यूज करके क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है वो यूज करके CO2 के, जो एग्जांपल है CO2 लो, ये CO2 क्या होता है, रिडक्शन होता है CO2 का, और H2O का ऑक्सीडेशन होता है। H2O क्या करता है, H2O ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की दो स्टेट रहती है, एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, उसको अनऑक्सीडाइज रहता है और वो क्या रहता है, अनएनर्जेटिक रहता है, कम एनर्जी रहती है। जब उसको उसके ऊपर सनलाइट और सनलाइट के हेल्प से वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है और उसकी एनर्जी लेवल हाई होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राउंड लेवल और ऑक्सीडाइज, एक्साइटेड लेवल। तो एक्साइटेड लेवल पे वो क्या रहता है, हाई एनर्जी उसमें रहती है, तो वो उस टाइम पे वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज होके विद द हेल्प ऑफ CO2 और H2O और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल ए पिगमेंट
हाँ, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये पिगमेंट क्या होता है, वेरी होता है, साइनोबैक्टेरिया में अलग रहता है, पर्पल सर्पल बैक्टीरिया में अलग रहता है, और प्लांट में क्लोरोफिल ए रहता है। हम जनरल लेते हैं प्लांट में, तो प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल ए के हेल्प से क्या होता है, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। तो इसमें मेनली ये जो रिएक्शन है, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये रिएक्शन दो हिस्सों में डिवाइड होती है और दो पार्ट में डिवाइड होती है। उसमें क्या है, फर्स्ट वन इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और सिंपली कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। और सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन रिएक्शन ओके, और डार्क रिएक्शन और उसको हम भी कहते हैं केल्विन साइकिल भी कहते हैं, केल्विन साइकिल। जब उसको केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, केल्विन साइकिल। तो इसमें ये जो रिएक्शंस होती है उसको हम सी3 साइकिल भी कहते हैं, सी3 साइकिल। तो उसके रीजंस क्या है वो हम बाद में बताएंगे, हम ये इन डिटेल में लेने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आप ये पहले से अच्छी तरह से समझ कि इसमें जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है सिर्फ किसका, H2O का, O2 प्लस ट्वाइस H2, ये क्या होता है ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या आती है लाइट, लाइट से ये क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फॉर्म होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं किसके लिए, वो फोटोसिंथेसिस की जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, समझ लो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, और ये जब एंटर करते हैं फोटोसिंथेसिस में और फोटोसिंथेटिक साइकिल में, तब ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कैरियर थ्रू, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर थ्रू क्या होते हैं, पासिस होते हैं, पास होने के बाद वो लास्ट में एनए डीपी को एक्सेप्ट करता है, एनएडीपी क्या करता है एक्सेप्ट करता है, और वो क्या होता है एनएडीपीएच, एनएडीपीएच और प्लस एटीपी और एटीपी हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्शन होता है एनएडीपीएच और एटीपी का, वो कहाँ पे यूज होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में, मीन्स डार्क रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन। तो ये लाइट रिएक्शन क्या है, ये लाइट रिएक्शन रहती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन रहती है, और ये डार्क रिएक्शन में क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन रहती है, जो डार्क रिएक्शन रहती है वो केमिकल रिएक्शंस रहती है। तो जो फोटोसिंथेटिक और लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुए हैं एनएडीपीएच और एटीपी, उसका यूज कहाँ पे होता है, उसका यूज डार्क रिएक्शन होता है। तो ये क्या करते हैं, CO2 को फिक्स करता है, इन डार्क रिएक्शन CO2 को फिक्स करता है विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम, और फिर उसको उसमें क्या ऐड होता है, NADPH प्लस ATP। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, ये क्या हुई, ये होता है केमिकल रिएक्शन, इसमें इसमें CO2 को फिक्स किया जाता है विद हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम ही जनरली इन प्लांट सेल अबंडेंट पाया जाता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो उसका उस वो क्या काम करता है, वो CO2 को फिक्स करता है, मगर वो क्या है ऑक्सीजनेज को भी, और ऑक्सीजन को भी फिक्स कर, उसकी एबिलिटी है ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है, वो हम इन डिटेल में लेंगे जब केल्विन साइकिल और सी3 साइकिल हम पढ़ेंगे।
अभी ये जनरल ओवर हुई, तो इसमें एनएडीपीएच को एटीपी को वो यूटिलाइज करके क्या करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस करता है, और ये क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, क्या है, एनर्जी रिच केमिकल मॉलिक्यूल और केमिकल एनर्जी। ओके, तो हमने क्या किया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में फॉर्म किया, उसका उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। तो मेनली लाइट रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है लाइट और डार्क रिएक्शन में, तो ये जो लाइट रिएक्शन है वो थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे होती है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे होती है, और ये जो डार्क रिएक्शन है ये वो स्ट्रोमा में होती है। ओके, तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट पे, और क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो हम उसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये क्या है, ये बायलेयर स्ट्रक्चर है और ड्यूअल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या रहते हैं, थैलेकोइड्स प्रेजेंट रहते हैं, और हम जो सिंगुलर रहती है उसको हम थैलेकोइड्स कहते हैं, और वो जो बंच में प्रेजेंट रहती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं और ग्रैना कहते हैं। ओके, और जो मैट्रिक्स रहता है उसमें प्रेजेंट उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये जो है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। जो हम जैसे सेल में साइटोप्लाज्म रहता है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड फॉर्म रहता है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो उसके बाद ये जो सर्कुलर रिंग टाइप दिख रहे हैं उसको हम कहते हैं ग्रैना और ग्रैनम। ओके, और ये सिंगुलर दिख रहा है उस सिंगुलर को हम कहते हैं थैलाकोइड। ओके, ये थैलाकोइड है, ये स्ट्रोमा है, और ये स्टाल्क है, जो दो ग्रैनम को ज्वाइन करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टाल्क। ये हुआ स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये जो सिंगुलर लेते हैं हम, तो इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन को, और ये क्या है, थैलाकोइड, तो इसके मेम्ब्रेन पे यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे फोटोसिस्टम प्रेजेंट रहती है, समझ लो फोटोसिस्टम फर्स्ट, और ये क्या है, फोटोसिस्टम सेकंड। तो फोटोसिस्टम्स जो रहती है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, यो थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं, और उसको जो लाइट रिएक्शन है वो थैलाकोइड पे होती है और थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे होती है, मींस जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम से फर्स्ट और सेकंड वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहने के कारण उसके ऊपर ही जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो वहां पे होती है, और उसमें से जो एनएडीएच पे और एटीपी, एनएडीपीएच और एटीपी जो प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या है, स्ट्रोमा में क्या करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 फिक्सेशन, तो यहां से CO2 आ जाता है। जब स्टोमेटा ओपन होता है एट द टाइम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, तब स्टोमेटा क्या करता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं लेता, वो क्या करता है, CO2 एज वेल एज O2 वो क्या करता है, सेल के अंदर लेता है, तो तब वहां पे क्या होता है, CO2 यहाँ पे फिक्स होता है
कहाँ पे? C3 साइकिल में। मगर ऑक्सीजन भी कभी, जब हम देखेंगे सी कैम पाथवेज और C4 पाथवेज, C4 पाथवेज मींस क्या, जो ये C3 साइकिल से और C3 पाथवे उसमें, जो हम इसको C3 पाथवे क्यों कहते हैं और C4 पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, C3 साइकिल और C3 पाथवे। ओके, उसके बाद जो हम सेकेंड वाला पाथवे देखने वाले हैं वो क्या है, C4 पाथवे। तो C4 पाथवे उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फर्स्ट रिएक्शन में, तो उसको हम कहते हैं C4 पाथवे। उसके बाद कैम पाथवे और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, ये सब हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसकी वीडियो जो है आगे की वीडियो हम उसके इसके ऊपर ही डिस्कस करने वाले। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।